हेलो किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मर्स में। किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे धान के खेतों में टिलरिंग की संख्या अधिक हो और अधिक से अधिक पौधे बने और उसमें प्रोडक्शन अधिक हो? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए, धान में टिलरिंग की क्रिया 20 से 25 दिनों बाद शुरू हो जाती है, तो उस समय खेतों में लगातार नमी बनाए रखते हैं, उसमें पानी नहीं लगने देते हैं। अगर पानी लगता है तो पौधों की संख्या उतनी ही रह जाती है और उसका ग्रोथ हो जाता है। तो पानी नहीं लगने देना है और उसमें यूरिया और जिंक का छिड़काव करते हैं। यूरिया से क्या होता है, पौधे की पत्तियां बड़ी होती हैं और पौधों में ग्रोथ के साथ साथ उसकी जड़ों से कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं। पहला विधि यह हो गया। और दूसरी विधि में क्या है कि खेतों में पानी चला के 4 सेंटीमीटर पानी लगा दें और एक बांस की बल्ली लें जिसकी हाइट 6 से 7 फीट हो और उसमें रस्सी बांध के और उसमें छोटे से बच्चे को या किसी को कम वेट को उठा के और खेतों में पाटा लगा दें। पाटा लगाने से क्या होगा, उसके पास से जड़ से झटका लगेगा, पौधे इधर उधर हिलेंगे और उसमें कल्ले की संख्या निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो पौधे में कल्ले की संख्या ज़्यादा होंगी और उसमें फल ज़्यादा बनेंगे और उसमें प्रोडक्शन अधिक होगा। और तीसरा